आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय के साथ में। और अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है और अदरक की चाय तो सबको ही अच्छी लगती है, तो बस अब मैं इसको पीकर एंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर अपने जो दिन के काम हैं उन्हें करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ में एंजॉय कीजिए बैठकर। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे मैं इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ पर सुबह सुबह पानी आता है और अभी आसपास जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं ना, सब मोटर चलने की आवाज़ें आ रही हैं और बस पानी भरता रहेगा और मैं यहाँ पर बैठ के चाय पीती रहूँगी। तो देखिए सब तरफ अभी अंधेरा ही है और अभी कोई नहीं उठा है, बस मैं ही उठी हूँ और बस उसके बाद थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना तो मैं ऊपर जाऊँगी। सारी लाइटें ऑफ हैं और बस अब चाय पीना है मुझे। चाय पी के फिर अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर। तो देखिए मैं आपको छत का ऊपर दिखाती हूँ कितना, मतलब आसमान अभी सूरज उगा नहीं है और आसमान में कितना कोहरा सा छाया हुआ है क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ गया है ना, तो थोड़ी सी धुंध वगैरह सी हो जाती है। और बस अब पक्षियों को मैं थोड़ा सा दाना डाल दूंगी। तो जब मतलब दिन की शुरुआत होती है ना, मतलब सूरज निकल जाता है तो पक्षी इतने आते हैं यहाँ पर आसपास में, बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आते हैं। तो थोड़े से मैंने नीचे दाने डाल दिए हैं और थोड़े से मैं ऊपर भी डाल दूंगी ताकि जो पक्षी आएंगे वो खा लेंगे। और यहाँ पर इनका पानी का जो है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और 2-4-5 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना इसमें नीचे काई लग जाती है, पानी भरा रहता है इसलिए। और इसको थोड़ा सा पत्थर से रगड़ देंगे ताकि जो है कि पानी एकदम साफ मिल जाएगा और बहुत सुकून मिलता है ये सब काम करके। तो बस ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत हम जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना हम कर ही सकते हैं। और ये देखिए इसको, बस ये है कि जहाँ मैं जाऊँगी उसके मेरे पीछे पीछे ही ये रहती है। तो बस इधर उधर इसका घूमना होता है, इसके बहाने बहाने मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाती है और दिन अच्छे से निकल चुका है। हालांकि सूरज नहीं निकला है लेकिन वैसे खूब अच्छे से रोशनी हो चुकी है। और यहाँ मेरे पास एक टायर पड़ा हुआ था, ये गाड़ी का टायर है तो काफ़ी मतलब इसकी ऊंचाई है, तो इसके अंदर मैंने देखिए ना मिट्टी भर दी और मिट्टी के नीचे मैंने ना जो किचन का वेस्ट होता है ना उसको डाल दिया है। तो ये जब तक इसमें है कि वो एकदम से सड़ जाएंगी, मतलब गल वल के और बढ़िया तरीके से इसके नीचे खाद है कि तैयार हो जाएगी, तो इसको मैंने ना ऊपर से मिट्टी को डाल दिया है। तो 10-15 दिन के बाद इसके अंदर मैं कोई प्लांट लगा दूंगी तो बहुत अच्छे से इसके अंदर चल जाएगी। तो यहाँ मैं देखी और दिखा रही हूँ, यहाँ भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी को डाल रखी है। इसके अंदर मैं अभी लगाऊंगी जो मेरे पास थोड़े से बीज पड़े हुए थे, मेथी के, पालक के और थोड़े से लहसुन हैं, उनको भी मैं इसी के अंदर ही लगा दूंगी। तो ये देख रही थी कि मैं मिट्टी की इसकी कैसी तैयार हुई है। और हमारे यहाँ पर रात को अच्छी बारिश हुई थी और उससे ही देखिए थोड़ी सी जो मिट्टी है ना ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हल्की सी मैं इसको गुड़ाई कर दूंगी ताकि मैं जो बीज लाऊँ ना वो अच्छे से इसके ऊपर मतलब लग जाएंगे। तो मेरा मानना है कि ना खुश रहने के लिए कोई मंत्र नहीं होता है, खुशी हमारे अंदर ही छुपी रहती है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, यानी अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम खुश रहें, तो कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखिए जो मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ और हमेशा मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताती रहती हूँ कि कभी भी ना पुरानी बातों को पकड़ के मत बैठिए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि गिले शिकवे हो जाते हैं, पुरानी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं भूल सकते हैं और कुछ लोग हमारे साथ कुछ बुरा कर देते हैं उन्हें भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो बस आप माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, ये चीज़ मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ये होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, उन्हीं गिले शिकवों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप अपने आप पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और हमेशा ना अपने आप को ये सोचिए कि जो आज है बस वही है, वर्तमान में जिए, मतलब कि जो प्रेजेंट है ना उसमें ही जीना सीखें क्योंकि पास्ट तो हो गया ना, उसका तो क्या ही सोचना आप। और फ्यूचर तो देखो किसी ने देखा ही नहीं है, तो आगे की हमें नहीं सोचते हुए आगे बस अपने कामों पर फोकस करें और अपने आप पर ध्यान देने लगें।
और दूसरी बात ये कि दूसरों से अपनी कंपैरिजन करना बंद करें, यानी आप हमेशा दूसरों से अपना कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। देखो, कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है ना, वो दूसरों में नहीं हो सकती, और जो दूसरों में क्वालिटीज़ है ना, वो आप में नहीं हो सकती। जब इंसान ही अलग अलग हो गए तो चीज़ें भी तो अलग अलग होंगी, तो क्यों अपने आप को परेशान करना। एक दूसरे से कंपेयर कीजिए कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, आप उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करें और अपने आप को बस उनसे मोटिवेट होते रहिए कि यानी आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की अच्छी बातों को सीखना चाहिए, उनसे कुछ मतलब जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो आप पूछ कर भी सीख सकते हैं, बजाय कि ये कि अरे इसके पास ऐसा क्यों है, इसको ये क्यों आता है, वो क्यों आता है, ये काम नहीं करना चाहिए। बस आपको पता ये होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, तो अपने काम में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो आपका काम है वो करते जाइए, और हाँ, दूसरों से आप राय ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सब एक दूसरे से सीखते ही हैं, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों से ही सीखा है। तो मैंने भी अपने बड़ों से यही सीखा है कि जब भी हम लहसुन को छीलते हैं ना, तो हमारी कई बार नाखून में दर्द हो जाता है, तो इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो देना, उसके बाद ये आसानी से छिलका निकल जाता है। तो पहले मुझको भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करने लगी तो मुझे ये जो टिप है ना, ये बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखिए, मेरे पास एक कंटेनर था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, ये प्रोटीन का डिब्बा था, 2 डिब्बे थे मेरे पास, एक में मैंने प्लांट लगा दिया है, और एक ये देखिए जब मैं उठाने लगी ना, तो ये बीच में से ऐसे टूट गया, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ना इसको मैं थोड़ा सा सील देती हूँ। अब मैं कैसे सीलूंगी तो इसको मैं अभी बताती हूँ। इसका ना आप यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं, जो भी प्लास्टिक आपका टूट गया है, जैसे कोई टोकरी टूट गई है, कोई चेयर टूट गई है, या कोई डिब्बा वगैरह टूट गया है, ओनली प्लास्टिक वाला, तो आप क्या करें कि एक सॉफ्ट तार आता है मार्केट में, आप हार्डवेयर की शॉप पे पूछेंगे ना तो आपको वो लोग दे देंगे। ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि आप हाथ से जैसे भी मोड़ोगे ना, ये मुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, प्लास्टिक का ये वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से कटिंग करते हैं, वहाँ से इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। और ये बहुत ही अच्छा है ये टिप, अगर आप यूज़ करना चाहें ना, कहीं आपके पास भी सिलने का काम बच रहा हो तो वहाँ पर आप ये सिलाई कर सकते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, खैर आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, छोटे छोटे मैंने तार के जो पीसेस हैं ना, वो कट कर लिए हैं, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, 4-5 जितने भी आपको स्टिच करने हैं उसके अकॉर्डिंग। और बस इसको करना क्या है कि इसको हम अच्छे से ना ऐसे मोड़ देंगे, किसी की भी सहायता से आप मोड़ सकते हो, और बस इसको मोड़ कर, और अब हम इसको क्या करेंगे कि गैस के ऊपर गर्म करेंगे। अच्छा, पहले ना मैं इसको मतलब नहीं लगा रही थी टाके, मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करके देखें। और कभी भी काम को ना टालिए मत, मतलब जो आपने सोचा है ना उसे कर डालिए, क्योंकि टालते टालते वो काम कभी पूरा होता ही नहीं है, और बस वो काम इकट्ठे होते जाते हैं, और फिर हमारे जो दिमाग पे एक बोझ सा बनता जाता है, और जब वो काम होते नहीं है ना, तो हम लोग क्या है कि तनाव में आ जाते हैं, यानी टेंशन में रहते हैं कि अरे ये काम करना है, ये करना है। तो जो काम दिखे ना उसे तुरंत कर डालिए, क्योंकि कल तो कभी होता ही नहीं है, कल होता ही नहीं है, मैं नहीं मानती कि कल कोई चीज़ होती है। तो बस इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से गर्म कर लूँगी, मतलब आगे से हल्का सा गर्म करना है, और फिर इसके अंदर हम होल कर देंगे, और होल करने के बाद फिर ऐसे ही मुड़ा हुआ जो तार होता है ना, उससे अच्छे से पीछे से फोल्ड कर देंगे। तो ये तार इतना सॉफ्ट होता है कि आप ऐसे अंदर डालेंगे ना तो अच्छे से ये अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो बस ऐसे गर्म करें और इसके अंदर ऐसे टांके लगा दें, तो बहुत इजीली ये काम हो जाता है। तो मेरे पास ये एक गलती से टूट गया था कि, तो चलिए आपको एक मौका मिल गया मुझे ये चीज दिखाने का भी, तो हो सकता है आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपके पास हों जो कि टूट रही हों, और इससे आप उस चीज को सुधार लें। तो ये देखिए, बस इसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे पकड़ना है हल्का सा, इसके जो पॉइंट है ना किनारे, उसको गर्म करना है और अंदर की साइड से इसको फोल्ड कर देना है। और ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि ना वॉल पुट्टी कैसे करते हैं, उस वाली वीडियो में मैंने इसको शेयर किया था।
सबसे पहले ये देखिए जो मेथी है ना उसकी ग्रो हुई है, मतलब वो अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है उसकी। उसके बाद ये धनिया उगा है और लास्ट में ये पालक उगा है। इसको मैं अभी छत पे रख दूंगी क्योंकि यहाँ पर है ना धूप कम आती है और थोड़ी बहुत सनलाइट इसको जरूरत है। तो इन तीनों को उठाकर मैं अपने जो ऊपर वाली बालकनी है ना उसके अंदर रख दूंगी। और ये देखिए कपड़ों की जो धुलाई है वो मैंने कर दी है, ये कपड़े जाएंगे प्रेस होने के लिए। और जो कुछ कपड़े हैं जो मेरे घर के होते हैं ना उनको मैं खुद ही अपने हाथों से ही प्रेस करती हूँ, तो अलग अलग करके रख देती हूँ। जो बाहर जाएंगे प्रेस होने के लिए उन्हें अलग रख दिया है, और जो घर पे मैं करूँगी उनको वो मैं खुद ही कर लूँगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपने काम स्टार्ट कर दूंगी। और ये हमारी बैठी हुई है छोटी सी रॉक्सी, और ये ना अपने खाने का वेट कर रही है। जब ये ऐसे बैठती है ना तो मैं समझ जाती हूँ इसको भूख लगी है, मुझे इसको खाना देना है। तो ये देखिए मैंने जो है ना ऊपर आपको दिखाया था ये मिट्टी मैंने तैयार की थी, और अब इसके अंदर ना मैं लहसुन और मेथी और पालक, ये जो मेरे पास मिक्स रखा हुआ था ये बीज पहले से भी रखे हुए थे मेरे पास, तो ये इसके अंदर मैं लगा दूंगी। छत पे ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी क्योंकि ऊपर खूब अच्छी लाइट आती है। तो मैं थोड़ी सी ऊपर की जो मिट्टी है ना इसको मैं ढीली कर दूंगी, और फिर अच्छे से इसके अंदर मैं लहसुन लगा दूंगी। तो लहसुन लगाना बहुत ही आसान है और सर्दियों में ये बहुत अच्छे से मतलब लग जाते हैं। तो ऊपर जितनी भी मोटी मोटी जो मिट्टी होती है ना इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लें। और ये देखिए ना मैंने ऊपर क्या है इस कटोरी में रख दिया था, और रात को बारिश आई और ये इसमें ना काफी सारा पानी इकट्ठा हो गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि इससे अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसको बस ऊपर से मतलब नीचे जो होती है ना पॉइंट उसको हमें नीचे रखना है जहां से जड़ निकलेगी, और पीछे की जो टेल होती है ना इसको ऊपर रखेंगे और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं लहसुन। और सर्दियों में इसकी जो चटनी वगैरह होती है या सब्जी के अंदर आप डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। तो ये मेरे पास पुराना जो लहसुन था ना वो मैं लेकर आ गई हूँ और इसके अंदर मैं इसको उगा दूंगी। तो इसके अंदर मेथी भी है, पालक भी है, सब कुछ मिक्स है, तो ये सब कुछ इसके अंदर मैं डाल दूंगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और मेथी तो मैंने आपको दिखाई है 3-4-5 दिन में ये उगने लग जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो। और इसको ना हमको ज़्यादा मतलब अंदर तक दबाने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे आप इन बीजों को डाल दें और उसके बाद थोड़ी सी बस ऊपर से आप मिट्टी को हल्की हल्की डाल दें, तो मतलब इसको ज़्यादा दबाना नहीं है गहराई के अंदर। और फिर इसको एक बार अच्छे से पानी से भर दे, मतलब खूब अच्छा पहला जो पानी लगाए ना वो खूब अच्छे से लगा दे, और उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके ऊपर छिड़कते रहें। और ये जो मेथी पालक धनिया होता है ना ये एक बार आप ले लेंगे ना मतलब इसको तोड़ लेंगे उसके बाद दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। तो सर्दियों में ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के अंदर गमले में आप लगा के रखें, और घर के अंदर ये ताज़ी ताज़ी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ना ये तो आसानी से आप उगा सकते हैं, इसमें कोई भी मेहनत नहीं होती है। मुझे तो ये बहुत आसान लगती है उगाना। कहने को तो देखिए ये बहुत छोटा सा काम है लेकिन ऐसे काम हम करते रहते हैं ना तो अपने आप को हम बिज़ी रखते हैं, और बिज़ी रहने वाला जो दिमाग होता है ना उसके अंदर कभी भी फालतू विचार नहीं आते हैं। और बस ऐसे ही अपने कामों को मैं करती रहती हूँ ताकि मेरा जो है कि मन लगा रहे। तो चलिए मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।